नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका दोस्त मुरली मनोहर। मुझे आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन करते हुए हम आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत YouTube के माध्यम से ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से चाहे वो BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हो या सेकंड सेमेस्टर का हो, थर्ड का हो, किसी भी सेमेस्टर का छात्र हो या MSc हॉर्टिकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहता हो, तो इस वीडियो में उद्यान विज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा उसकी शाखाओं का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे कम से कम समय में, और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और एक सटीक जानकारी, स्टैंडर्ड जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत से छात्र एवं छात्राओं का यह सवाल रहता है और जो प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं हैं उनका भी यह सवाल रहता है कि सर, हमने बहुत सही से प्रश्न किया था, सॉल्व किया था, लेकिन हमारे नंबर कम, बहुत ही कम आए हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक हम टीचर को दोष दें यह भी नहीं हो सकता, इसमें टीचर की भी एक त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसमें छात्र क्या करते हैं, वो जो चीज़ मेन है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो है जिसमें मॉडल पेपर में दिया है या किताबों में दिया है उस चीज़ को लिखते रहते हैं। तो हम जब मेन चीज़ को नहीं लिखेंगे, किसी का जो आधार है उस चीज़ को नहीं लिखेंगे, तब तक हम उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड हैं और जिनकी विश्वसनीयता यानी बहुत ही पॉपुलर है और जिसमें मार्क्स कटने के कम से कम चांस रहते हैं, और जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी बात को हम लिख सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं देर न लगाते हुए। देखिए, हम इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है, और इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है, याद रखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारे आपके एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में, वाइवा में या फिर कंपिटेटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कि प्रश्न बनता है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है कि उद्यान विज्ञान की क्या है, इसकी एक परिभाषा दीजिए और इसकी जो शाखाएं हैं उनको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये संक्षिप्त की जगह विस्तृत भी हो सकता है, लेकिन आप जब इतना ही लिख देंगे उसमें तो आपके नंबर अधिक से अधिक आने के चांस रहेंगे। तो देखिए, हाँ, इतिहास की बात करें तो वैसे तो काफ़ी लंबा इतिहास रहता है, लेकिन हम इसकी सिर्फ एक वाक्य में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था हमारा उद्यान विज्ञान। हालांकि फलों का और फिर पौधों का पहले से ही थे, लेकिन जब उसको एक स्टैंडर्ड वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से करना प्रारंभ हुआ तभी से हम इसको उद्यान विज्ञान कहना प्रारंभ किए, और जिसमें हम समय पर किस तरह से हम पौधों को लगाएं, किस तरह से हम उनकी केयर करें और किस तरह से उनकी तुड़ाई करें, तुड़ाई के बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है उसे किस तरह से करें, तो एक वैज्ञानिक तरीके से जब हमने इसका काम करना प्रारंभ हुआ तब वो हमारा शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और उसके बाद आज तक जो है इसमें इनोवेशन होते हुए होते बहुत सी संभावनाएं बन गई हैं और इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक हो गया है। तो इसकी जैसे आप जानते हैं सभी लोग, परिभाषा है जब उद्यान की है या हॉर्टिकल्चर है तो इसमें जायज की बात है उद्यान की फसलों का ही अध्ययन किया जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम
उद्यान फसलों का अध्ययन किया जाता है, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उद्यानिक फसलों की खेती करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि लैटिन भाषा से लिए गए हैं, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन्स और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, अर्थात गार्डन की कल्टीवेशन करना ही हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। लेकिन इसको गार्डन से क्षेत्र तक सीमित रखना एक जो है हमारी एक गलत अवधारणा हो सकती है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जिसको हम नेक्स्ट इस परिभाषा में हम देखेंगे। हिंदी वाली परिभाषा में देखें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल सब्जियों, व्यावसायिक फूलों, अलंकृत बागवानी, मसालों वाली फसलें, औषधि फसलें, सुगंधित फसलें, रोपित फसलें और व्यक्तिगत पेड़ झाड़ियाँ तथा उन सब उद्यान की फसलों की तुड़ाई के बाद प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, विपणन यानी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है, तो उस विज्ञान को हम उद्यानिकी विज्ञान कहते हैं। आप समझ जाइए, जैसे कि हम किसी फलों वाली दुकान पर जाते हैं तो उसमें हमें फल मिलते हैं, सब्जियों की दुकान पर जाते हैं सब्जियां मिलती हैं, है ना। तो फल सब्जी और व्यवसायिक फूल जो कि हमारे फूलों की खेती की जाती है, अलंकृत बागवानी से तात्पर्य है जैसे आपकी बागवान जो गार्डन्स वगैरह होते हैं, जैसे कॉलेज का गार्डन हो गया सामने वाला, या फिर जिसे लैंडस्केपिंग की कहते हैं जिसको, है ना, तो ये अलंकृत बागवानी हो गई जिसमें पाम के बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, और मसाले वाली फसलें जैसे मसाले वाली आपकी धनिया, सौंफ, मेथी, है ना, और उसके बाद जायफल वगैरह जो है काफ़ी होते हैं उन्हें मसाले वाली फसलें, औषधि फसलें जैसे कि आपका अश्वगंधा हो गया, रजनीगंधा हो गया, है ना, और सुगंधित फसलें जिसमें रजनीगंधा बहुत ही पॉपुलर है, औषधि फसलों में एलोवेरा है, रोपित फसलें यानी प्लांटेशन क्रॉप वो फसलें हैं जिनमें हम जैसे जिनके एक विस्तृत क्षेत्र में जैसे चाय की खेती, बड़े बड़े इसमें जो खेती होती है चाय की, तो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं इनके, है ना, और उसी प्रकार नारियल की, ये क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप है, इनके बहुत ही विस्तृत फार्म होता है, और उसके बाद जो इनका उपयोग सिर्फ प्रोसेसिंग के बाद ही किया जा सकता है, जैसे हम तुड़ाई के बाद इसका सीधा सीधा उपयोग नहीं कर सकते, ये एक डिफरेंस होता है। व्यक्तिगत पेड़ झाड़ियाँ जैसे व्यक्तिगत पेड़ और झाड़ियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आपकी तुलसी हो गई और पीपल का पेड़ हो गया, है ना, जो कि सेल्वी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। इन सब उद्यान की फसलों की तुड़ाई के बाद यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस करने के बाद जब हम मान लीजिए किसी मान लीजिए टमाटर की फसल है तो टमाटर को हम तुड़ाई के बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए केचप तैयार करना है तो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद जैसे ही केचप तैयार हो जाता है और उसे पॉलीथिन में तैयार हो जाता है, जिसे सॉस भी कहते हैं, उसे विपणन के बाद उसे मार्केटिंग में भेज दिया जाता है। तो इन सभी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर का बहुत ही क्षेत्र व्यापक है, इसे आप इसकी स्कोप भी कह सकते हैं और ब्रांचेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी इंग्लिश में देखें तो हॉर्टिकल्चर इज ए द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन कल्टिविंग प्लांट्स इन गार्डन्स टू प्रोड्यूस फूड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और फॉर कंफर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल पर्पस हॉर्टिकल्चरिस्ट आर एग्रीकल्चरिस्ट हाउ ग्रो फ्लावर रूट एंड नट्स वेजिटेबल एंड हर्ब्स एज ए वेल एज ए ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड लॉन्स। ये एक जो है हमारी विकिपीडिया द्वारा तैयार की गई परिभाषा है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपके देखिए फूड दे रहा है, प्रोड्यूस फूड, है ना, गार्डन्स, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन वाले प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल जो सौंदर्य वाले पौधे होते हैं पर्पज से, और हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी जो उद्यानिकी का काम करता है, एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो उसको उगाते हैं, तो उनको क्या किसको उगाते हैं, फ्लावर फ्रूट्स को, नट्स को, वेजिटेबल्स को, हर्बस यानी जो साग सब्जियां होती हैं वो हर्बस के अंतर्गत आती हैं ना, इन सभी को उगाते हैं, तो उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। याद रखने में देखेंगे हम तो आगे जो है याद रखने योग्य बातें हैं जो हमें
अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर वाइवा में या फिर किसी भी जनरल इंट्रोडक्शन में हमें पूछ ली जाती हैं। जब हम किसी विषय के बारे में किसी को पढ़ते हैं तो उसके फादर के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे हॉर्टिकल्चर के फादर कहें अगर वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, तो लिबर्टी हेडीबेली हैं जो USA के थे। और उद्यान विज्ञान के पिता अगर हम इंडिया में बात करें तो MH मैरीगोडवा हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जो कि हमारे भारत के फादर हैं हॉर्टिकल्चर के। उद्यान विज्ञान के आधुनिक पिता कहें अगर इंडिया में तो वो डॉक्टर KL चड्ढा हैं, जिन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एक जो है। अब बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ब्रांच जो है जैसे फर्स्ट ब्रांच है, जैसे जैसे कि हमने इस परिभाषा में लिख रखा है फल, तो फलों के अध्ययन करने के लिए जो ब्रांच है वो है फलों विज्ञान, अर्थात जिसे पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। सीधी सीधी सैंपल परिभाषा आपको लिखनी है, सिर्फ 3 वर्डों में बहुत ही किसके करना है, फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगर इसमें ऐड करना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, फलों की खेती का उत्पादन करना, उनका प्रसंस्करण करना और उनकी मार्केटिंग करना, ये सभी फलों की खेती के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हम ज़्यादा ना जानते हुए थोड़ा थोड़ा जानेंगे इसके अंतर्गत कि पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि लैटिन और ग्रीक शब्द हैं, पोमम और प्लस लॉगस। पोमम्स का मतलब होता है फ्रूट्स और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, यानी फलों की अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा पोमोलॉजी। बहुत ही सिंपल है, हमें ज़्यादा इधर उधर की लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ता, जिसमें हम आम केला इनके उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं, ये एक एग्जाम्पल रख सकते हैं। आगे बात करें तो सब्जी विज्ञान, जिसे ऑलरी कल्चर या फिर वेजिटेबल साइंस साइंस के बारे में भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, सब्जियों की उत्पादन, उनका प्रसंस्करण, उनकी मार्केटिंग के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो सब्जी विज्ञान कहलाती है या ऑलरी कल्चर कहलाती है। ऑलरी कल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द हैं ऑलरी प्लस कल्चरा। ऑलरी भी समझते हैं हर्बस, हर्बस मतलब ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी विकसित ना हो, ऐसे काष्ठीय पौधे, ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी विकसित ना हो वो कैसे कहलाएंगे हर्बस, जिसे ऑलरेश भी कहते हैं लैटिन भाषा में, इंग्लिश में जिसे हर्बस हर्बेसियस कहा जाता है। ठीक है, शाकीय पौधे जो शाक यानी जिनमें लकड़ी विकसित नहीं होती, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, है ना, इनमें लकड़ी विकसित नहीं होती तो ये कैसे कहलाएंगे, मेथी हो गया, पालक हो गया, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में टमाटर मिर्च हो गया, ये सब्जी के अंतर्गत आते हैं। आपको सिर्फ समझना है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ टेक्निकल वर्ड हैं उनको देखते रहना। जैसे ऑलरी कल्चर हो गया तो ये सब्जी विज्ञान होता है ना, और इसकी जो है किस शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द है या फिर ग्रीक वर्ड है, ये आपको देखते रहना है। पुष्प विज्ञान, पुष्प विज्ञान जैसे नाम से ही पता है, जिसमें पुष्पों के उत्पादन, है ना, और अलंकृत बागवानी। ठीक है, जैसे देखो आपको इसमें टेक्निकल टर्म ये है कि आपको इसमें कॉमर्शियल फ्लावर जोड़ना है, यानी व्यवसाय फूलों की खेती प्लस अलंकृत बागवानी, है ना। तो व्यवसाय फूलों तथा अलंकृत बागवानी की खेती का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। बहुत ही मैंने कम से कम शब्दों को जोड़ा है, आप इतना ही शब्द अगर लिख देंगे तो आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। लैटिन शब्द, ये भी एक लैटिन शब्द से लिया गया है फ्लोरी, जिसमें आपको पीछे कल्चर शब्द मिले वो समझ लेना चाहिए कि वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। अगर लॉजी शब्द मिलता है तो जायज की बात है, वो एक ग्रीक वर्ड होगा। तो ये भी जो है फ्लोरिस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, कल्चरा का मतलब सभी जानते हैं कल्टीवेशन करना, टू स्टडी करना, है ना, और फ्लोरिश मतलब है फ्लावर से लिया गया है, जिसका मतलब है फूल। यानी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, गुलाब, गेंदा, आप एग्जाम्पल लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि इस बच्चे को यह चीज़ मालूम है। नेक्स्ट जो बात करें तो रोपड़ फसलें यानी प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप वही मैंने बताया था जैसे कि आपको पहले, इसमें क्या है कि थोड़ा यह एक विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली तथा तुड़ाई के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद उपयोग में ली जाती है। इसका उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप इसमें प्रोसेसिंग कर लें, जैसे कि
नारियल हो गया, नारियल को आपको तोड़ेंगे तो उसको उसको फाड़ना पड़ता है। उसमें नारियल में अगर आपको मान लीजिए उससे गरी तैयार करनी है या नारियल ऑयल तैयार करना है तो उसे काफ़ी प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके बाद नारियल ऑयल तैयार होता है ना। तो यह एक जैसे सुपारी हो गई है ना, चाय हो गई, इनमें इनका भी प्रोसेसिंग करके चाय तैयार की जाती है। तो प्रोसेसिंग के बाद ही इसका उपयोग किया जाता है, वो कहलाती है प्लांटेशन क्रॉप, है ना। आपको इतना याद रखना है कि ऐसी क्रॉप, ऐसे फल या वो सब्जियां या कोई भी हो जिनको हम बिना प्रोसेसिंग के यूज नहीं कर सकते, वो प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी बात, उनको विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाना चाहिए। फसलों वाली मसालों वाली फसलें, गलत माफ़ कीजिए, इसमें जो है मसाले की जगह मसलों लिखा हुआ है, मसालों वाली फसलें स्पाइस जिसे कहते हैं, वे फसलें जिसमें पौधे के किसी भाग में खुशबूदार पदार्थ पाया जाता है उनका उत्पादन करना। मान लीजिए चाहे पौधे का तना हो गया या फूल हो गया या पत्ती हो गई, किसी भी पौधे की या जड़ हो गई, पौधे के जितने भी भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल है ना, उसमें किसी भाग में, बीज में, किसी भी भाग में अगर कोई सुगंधित पदार्थ पाया जाता है और वह हमें जब सब्जी में डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ा देता है, तो उसको मसाले वाली फसलें कहेंगे, यानी स्पाइस कहते हैं ना। कहते हैं कितना स्पाइसी है, जो आपकी सामान्य बोलचाल भाषा में जो वर्ड यूज करते हैं, कितना स्पाइसी है, जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं कहते हैं ना, तो स्पाइसी का मतलब होता है जिसमें काफ़ी तीखे मसाले डले हुए हैं, है ना, मसालों का नाम है स्पाइसी। औषधि फसलों की बात करें तो मेडिसिनल क्रॉप, है ना, जिसे औषधि मतलब मेडिसिनल, तो क्रॉप ऐसी फसलें जिनमें किसी रोग के उपचार करने की क्षमता है, या जैसे आप किसी भी लैंग्वेज में तैयार कर सकते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन को, किसी रोग के उपचार में आने वाली पौधों की खेती करना। देखिए मैंने कितनी सिंपल सी लैंग्वेज बना रखी है, किसी रोग के उपचार में आने वाले पौधों की खेती करना क्या कहलाता है, औषधि मेडिसिनल क्रॉप कल्टीवेशन कहलाता है ना, जिससे गिलोय, सर्पगंधा, एलोवेरा आदि। नेक्स्ट है सुगंधित फसलें, एरोमेटिक क्रॉप्स, सुगंधित फसलों का उत्पादन करना, सुगंधित फसलें जिनको हमें, जिनमें सुगंधित या एरोमेटिक या मेडिसिनल, ये जितनी फसलें हैं जैसे आप स्पाइस हो गई, मेडिसिनल क्रॉप्स हो गए, एरोमेटिक क्रॉप्स हो गए, इनकी जो है सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, वो द्वितीय उपापचय क्रिया यानी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से तैयार होने वाला एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा रासायनिक पदार्थ होता है उसके द्वारा ये सुगंध आती है, या फिर में औषधि गुण आता है, या फिर स्पाइस की खुशबू आती है ना, ये सभी उसी से आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज का जो है लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप इतना अगर इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिख आते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको 10 में से 8 नंबर तो कम से कम मिलेंगे, इसमें कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगला जो है इसका नेक्स्ट जो है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, कि हॉर्टिकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे। तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें, कंटेस्ट कर लें, और जो हमने बातें बताई हैं उनको ध्यान रखें कि हमको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। अगर मान लीजिए रिटन एग्ज़ाम है तो किस तरह से लिखना है, अगर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो आपको इनकी जो है, इनकी थ्योरी है वो जानना है, और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आपको याद रखना है। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो है हम जो वीडियो डालेंगे वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उससे लाभित हो सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।